खबर है यूपी से, जहां लड़की का शव मिलने की घटना का सफल अनावरण, मृतका के भाई व मां गिरफ्तार। जी हां, खबर है यूपी के जौनपुर जिले में अजय कुमार साहनी पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन व क्षेत्र अधिकारी बदलापुर जौनपुर के पर्यवेक्षण में ग्राम रैभानीपुर में पोखरे के किनारे मिली लड़की के शव के संबंध में घटित घटना का सफल अनावरण प्रभारी निरीक्षक पवन उपाध्याय थाना बदलापुर जौनपुर व एसओजी व सर्विलांस की टीम के द्वारा किया गया था। आज घटना में शामिल अभियुक्त मृतका के भाई राय शाह प्रजापति व मृतका की मां नगीना प्रजापति को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। दयाराम प्रजापति थाना बदलापुर पर इस आशय की तहरीर दी कि अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रही थी कि रात्रि करीब 11:30 बजे मेरा लड़का लाल साहब जाकर देखा कि मेरी नाबालिग लड़की उम्र करीब 17 वर्ष अपने बिस्तर पर नहीं थी, जिसकी सूचना मेरे पुत्र ने तुरंत अपनी माँ को बताया। उसके बाद हम सब परिवार के लोग मिलकर लड़की को खोजने के लिए निकल पड़े, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। सुबह 5:30 बजे मेरी पुत्री की लाश पास के सूखे तालाब के किनारे अवस्था में मिली। मुझे विश्वास है कि मेरे गांव के ही विनोद प्रजापति, रोहित प्रजापति, सोनू प्रजापति, मोनू प्रजापति, लड्डू प्रजापति द्वारा मिलकर मेरी पुत्री की हत्या कर शव को फेंका गया है, जिस पर थाना बदलापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना बदलापुर पवन कुमार उपाध्याय द्वारा प्रारंभ की गई। देखिए जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। 5 व्यक्तियों को नामित किया, जिसमें से 3 सगे भाई थे, 1 उसका पिता और चाचा था। तो प्रथम दृष्टया ही लग रहा था कि ये मामला संदिग्ध है, इसमें घर के या परिवार के ही लोगों का हाथ है, लेकिन फिर भी तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया, पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया, जिससे पता चला कि वो बच्ची 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। और फिर सर्विलांस को स्वाट को लगाया गया स्थानीय पुलिस द्वारा। जब पूछताछ की गई परिजनों से तो पता चला कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। उस बच्ची से पूछताछ करने में उसने जब कुछ नहीं बताया तो इसके सगे भाई ने उस पर गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद फिर उसने अपनी माँ को बताया, फिर माँ और बेटे दोनों ने मिल करके उस लाश को ले जा करके जहाँ पर लाश बरामद हुई है वहाँ पर छुपा दिया था। सुबह उसको ला करके अपने घर पर रख दिया। तो इस प्रकार से माँ और बेटे दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, और इसका जो निर्दोष व्यक्ति थे वो इसे मुक्त कर दिए गए हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई हो गई। फिर वजह क्या निकल के आनर क्लिंग है, तो इनको क्यों लगा कि आज मारना है, मतलब 8 महीने के प्रेग्नेंट होने के बाद? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पहले से परिजन को पता रहती है कहीं कहीं नहीं, जैसा कि इनका कहना है कि हमें पहले से नहीं पता था। बीच में इसको बदलापुर हॉस्पिटल दिखाने की, उसकी तबीयत जब खराब रहने लगी तब वहाँ पर दिखाने के लिए ले गए, तब इनको पता चला कि हाँ वो प्रेग्नेंट।